हेलो गाइस, मोटिवेशन के लिए दुनिया की दो सबसे ताकतवर चीजें, लेट्स सी, जानते हैं। हेलो गाइस, आई एम श्योर आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं दुनिया की दो सबसे ताकतवर चीजों के बारे में बात करने वाला हूं। अगर ये दो चीजें आपके पास हैं तो आप दुनिया में जिस चीज को भी अचीव करना चाहते हैं आपको कोई रोक नहीं सकता, वो आपकी मुट्ठी में होगी और आप उस चोटी तक होगे। लेकिन पहले मैं ये बोलना चाहता हूं, जो लोग अपनी लाइफ में सीरियस नहीं है, जो लोग अपने करियर के बारे में सोचते जरूर हैं लेकिन उसके लिए एफर्ट्स नहीं डालते हैं, अपने आप को एक्टिवेट नहीं करते हैं, प्लीज कृपया आप इस वीडियो को ना देखें, स्किप करके बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि जिन लोगों को जिन चीजें की समझ ही नहीं है उनको हम क्या बताएं, वो तो सिर्फ रोना लेके बैठे रहते हैं, यार मुझे ये करना है, वो करना है, वो करना है। अरे आप करो तो यार, करना तो सबको है, करो तो, करोगे तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ोगे। चलिए छोड़िए, हम आपको दूसरी चीज बताते हैं। दुनिया की जो सबसे दो ताकतवर चीजें ऐसी हैं जो मैं आज आपको बताने वाला हूं, वो जिनके पास होती हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती होते हैं। पैसा, रुपया, गाड़ी, धन दौलत, बंगले, ये तो सबके पास होते हैं और कोई भी बना सकता है, लेकिन इनको बनाने के लिए क्या चाहिए होता है वो आज मैं आपको बता रहा हूं। इन दो चीजों के लिए सिर्फ आपको चाहिए हिम्मत और जुनून। ये बहुत छोटे शब्द हैं, हर रोज आप सुनते होंगे, लेकिन हिम्मत, हिम्मत क्या है? हिम्मत आपको अंदर से मजबूत करती है। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि हिम्मत आती कहां से, हिम्मत को डेवलप कैसे किया जाता है। अगर मान लो, सपोज दैट आज आप किसी प्रॉब्लम में हो, आज आपको बहुत सारी टेंशन है कि मैं क्या करना है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप सिर्फ एक घंटे उस प्रॉब्लम के बारे में सोचेंगे, शांति से बैठ के उस प्रॉब्लम का हल जो भी आप निकालना चाहें, अगर नहीं भी निकलता है तो उसे वैसा ही छोड़ दें। 23 घंटे आपको बचे हैं ना, सिर्फ 23 घंटे आपको यह सोचना है कि अगला स्टेप क्या लेना है। जिस स्टेप पे आप खड़े हो स्टेप पे सिर्फ आपको एक घंटा देना है, सिर्फ अगले स्टेप के लिए आपको 23 घंटे देने के, अगला स्टेप क्या करना है। मैं आपको फिर से एक बार बोलता हूं कि अगर ये कला आपने सीख ली तो डेफिनेटली आपको कोई रोक नहीं सकता है। दूसरी चीज, जुनून। जुनून कहां से आता है? जुनून सच बताऊं दोस्तों तो यार कहीं से भी नहीं आता है, वो अपने दिल में एक आग भरी होती है कि नहीं साला ये अपन को करना है, चाहे हजार प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, चाहे मेरे पास एक पैसा क्यों ना हो, चाहे रहने के लिए मेरे पास घर क्यों ना हो, अगर मुझे ये अचीव करना है तो मुझे करना है। सेकेंड थिंग जो मैं आज आपको बताता हूँ, कल कुछ लोग मुझे मिले, उन्होंने मुझसे ऐसा कहा कि यार मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं पैदल जाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, खाना बनाना पड़ता है, ये करना पड़ता है। दिस इज नॉट अ स्ट्रगल मैन, दिस इज नॉट अ स्ट्रगल। वो आप सर्वाइव करने के लिए कर रहे हैं, आप अपनी फील्ड के लिए क्या स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो इंजीनियर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ा है? आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, वो स्ट्रगल है। आपको 6 घंटे की जगह 8 घंटे आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, वो स्ट्रगल है। खाना खाना, रोड पे घूमना, रोड पे बैठना, फालतू की बातें करना, दिस इज नॉट स्ट्रगल मैन, दिस इज नॉट स्ट्रगल। क्लियर करो अपने दिमाग को कि आप क्या सोच रहे हो। फिलहाल आज की वीडियो में तो मैं इतना ही बोलूंगा, लेकिन लास्ट में सिर्फ एक बात बाल बोल के ला, देखो मेरा फंबल हो गया है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा फंबल हो गया, मेरी बात आप तक पहुंच रही है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात मैं ये बोलता हूं दोस्तों, अगर आपको लाइफ में रियली में आपको कुछ करना है, रियली में आप किसी चीज को अचीव करना चाहते हो, नहीं यार ये तो मेरे को चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए, ये होता है जुनून, ये आग, आग चाहिए अपने अंदर। हिम्मत की बात रही तो हिम्मत आता है दिमाग से, क्योंकि अपने आप को बनाना पड़ता है। सी मीन्स चूतिया, बनाना कैसे पड़ता है? अब आज अगर देखो, प्रॉब्लम तो हफ्ते में यार 7-8 दिन लोगों को रहती ही रहती है, अपन को क्या करना है, DSLR कैमरे के तरीके से सोचना है, अपने को अपने टारगेट को फोकस में लेना है, बाकी सब चीज़ों को ब्लर मार देना है। भाड़ में गई सर, क्योंकि जब तक आप ब्लर नहीं मारोगे ना, आप साला फोकस नहीं कर पाओगे। आपको आगे बढ़ना है ना, तो आपको जिस स्टेप पे खड़े हो ना, वहां से आपको एक कदम आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। जब तक आप आगे नहीं बढ़ाओगे, मैं कहता हूं दुनिया की कोई ताकत साला आपको हिला नहीं सकती वहां से। आपको हिलाने वाला कौन है? कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई, सिर्फ आप हो। आप अगर किसी चीज को अचीव ही करना चाहते हो ना, तो साला धक्का भी आपको खुद लगाना पड़ेगा। दूसरों के धक्के की जरूरत के मोहताज मत बनो कि कोई आए तुम्हें सपोर्ट करे, ये करे। अरे भाड़ में गया सपोर्ट यार, तुम्हें खुद कुछ करना है ना, सही गाइडेंस के साथ आगे बढ़ो, माँ की आँख तुम वो करके दिखाओगे जो साला कोई नहीं करके दिखा पाया। मैं बोलता हूँ, ये गारंटी नहीं देता, लेकिन मैं ये जरूर बोलता हूँ कि डेफिनेटली 100 में से 120% आप अगर सक्सेसफुल नहीं हुए ना, तो साला मैं ही बेकार हूँ। ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद, वंदे मातरम।